नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया 24 के सावन लाइव टीवी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। भारत का संविधान भले ही देश में सबको समान अधिकार देता हो, मगर आज भी देश के कई इलाके ऐसे हैं जहां जातीय भेदभाव की कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। ये तस्वीरें ना सिर्फ इंसानियत को शर्मिशार करती हैं, बल्कि बताती हैं कि आज भी एक भारत में दो भारत बसते हैं। ताजा मामला बुलंदशहर के पहाड़सू ब्लॉक के बनैल गांव से सामने आया। यहां शमशान घाट को जाति के आधार पर बांट दिया गया। जानकारी के अनुसार गांव में शमशान घाट का निर्माण 2017 में किया गया था। पता चला है कि कुछ समय बाद ही इसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। बता दें कि ये गांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया का पैतृक गांव होने के कारण चर्चित है। पहासू के बनैल गांव में शमशान घाट में इस तरह तार बंदी की गई है जैसे ये दो देशों की सीमा हो। इसी तार बंदी के एक तरफ अगड़ी जातियों के लोगों के शव जलाए जाते हैं, वहीं तार का दूसरा हिस्सा दलितों के लिए। यानी बनैल गांव में बने शमशान में मुर्दे की जाति देख कर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। सवाल ये है कि जब संविधान समान अधिकार देता है, कानून समान अधिकार देता है, तो फिर समाज के कौन लोग है जो जीते जी इंसान को उसकी धर्म उसकी जाति को लेकर भेदभाव करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जातीय भेदभाव के चलते इस तरह तारबंदी किया जाना गलत है, मगर जहां तक तारबंदी की गई होगी उस वक्त किसी की ओर से इसका मुखर विरोध नहीं किया गया होगा। अगर किया गया होता तो बुलंदशहर के इस गाँव से शायद ऐसी तस्वीर सामने नहीं आती। पूरे मामले में पहाड़सू के बीडीओ घनश्याम वर्मा का कहना है कि मामला अब उनके संज्ञान में आया है और प्रकरण की जांच कराकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि शमशान की तारबंदी को तो प्रशासन खत्म करा सकता है, मगर समाज के कथित ठेकेदारों के मस्तिष्क में घुला जातीय भेदभाव को सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कैसे खत्म करा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपने ही परिवार के सात सदस्यों की जघन्य हत्या करने वाली शबनम ने एक बार फिर दया की गुहार लगाई है। शबनम के दो वकील गुरुवार को रामपुर जिला कारागार पहुंचे, जहां उन्होंने जेल अधीक्षक को दया याचिका के लिए प्रार्थना पत्र सौंपा है। जानकारी के अनुसार जेल अधीक्षक अब प्रदेश के राज्यपाल को दया याचिका का यह प्रार्थना पत्र भेजेंगे। आपको बता दें कि शबनम की पहली दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। अब राज्यपाल को शबनम के वकील फिर से दया याचिका भेज रहे हैं। शबनम के फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। दूसरी तरफ मथुरा जेल में शबनम को फांसी देने की तैयारियां भी चल रही हैं। पवन जल्लाद भी दो बार मथुरा जेल में महिला फांसी घर का मुआयना कर चुका है। मामले में मथुरा जेल प्रशासन को बस अब शबनम के डेथ वारंट का इंतजार है। इससे पहले शबनम के बेटे मोहम्मद ताज ने भी अपनी मां के लिए माफी की गुहार लगाई थी। वहीं शबनम की चाची कहती हैं कि हमें तो खून का बदला खून ही चाहिए, इसे फांसी जल्द हो जाए। शबनम की चाची ने कहा कि उस समय अगर हम भी घर में होते तो शायद यह हमें भी मार देती। हम घटना के बाद आधी रात में यहाँ पहुंचे थे। शबनम की चाची ने कहा कि याचिका खारिज हो गई है, हम तो बहुत खुश है, इसे फांसी होनी चाहिए। वहीं फांसी पर चढ़ाए जाने के बाद क्या डेड बॉडी शबनम की चाची ने कि इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे ऐसी लड़की का शव लेकर। वहीं शबनम के चाचा का कहना है कि हम उस वक्त वहां नहीं थे, रात में 2 बजे के बाद मौके पर पहुंचे, सब कटे हुए पड़े थे, इसने जो किया है वो ही भरना है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दूसरा देश होता तो इसे बहुत पहले ही फांसी की सजा हो जाती। आपको बता दें कि शबनम के दो वकीलों ने रामपुर जिला जेल के अधीक्षक को दया याचिका के संबंध में प्रार्थना पत्र सौंपा है। अब जेल अधीक्षक इस प्रार्थना पत्र को राज्यपाल को प्रेषित करेंगे। साथ ही खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के इटावा में सरकारी अध्यापक की पत्नी के साथ थाने में पुलिस के थर्ड डिग्री इस्तेमाल किए जाने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भाजपा सांसद रामाशंकर कठेरिया की दखल के बाद एसएसपी आकाश तोमर ने आरोपी महिला कांस्टेबल प्रियंका को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि एसपीसीटी प्रशांत कुमार की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद निलंबित किया गया है। पीड़ित परिवार को इस बात का भरोसा भी दिया गया है कि उनके साथ हर हाल में न्याय किया जाए। पूरे मामले में जांच एसपीसीटी और डीएम स्तर पर संयुक्त रूप से की जा रही है। डीएम के संज्ञान के बाद मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित की गई है। कमेटी में एसडीएम जयप्रकाश, एसडीएम सिद्धार्थ, एसपीसीटी प्रशांत कुमार और सीओसीटी राजीव प्रताप सिंह को शामिल किया गया।
जांच कमेटी देर शाम सिंचाई विभाग के सर्किट हाउस में पीड़ित और आरोपी पक्ष के बयान लेने में जुटे हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि शिक्षक की पत्नी के साथ हुए बर्बरतापूर्ण व्यवहार के बाद पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और इटावा से भाजपा सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान ऐसा लगा कि एसएसपी आकाश तोमर ने सांसद की बात को नजरअंदाज कर दिया। यही कारण रहा है कि सांसद पीड़ित महिलाओं को लेकर डीएम के यहाँ पहुंच गए और यही नहीं मामले में डीजीपी और गृह सचिव से भी शिकायत की। आरोप है कि 15 फरवरी की रात को फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके में महिला कांस्टेबल प्रियंका से उसके किराए के मकान में हुए विवाद के बाद थाना पुलिस दो महिलाओं और उनके परिवार के कई सदस्यों को पकड़कर थाने ले आई। यहां इन महिलाओं की थाने में बुरी तरह से पिटाई की गई। पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने पुलिस थानों में अपराधियों के पीटने वाले पट्टे से इन महिलाओं को जबरदस्त ढंग से पीटा, जिसमें संगीता नाम की महिला को बहुत अधिक चोटें आई। इसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष विनोद यादव ने बताया कि पुलिसकर्मियों द्वारा शिक्षक और उसकी पत्नी को थर्ड डिग्री दिए जाने की शिकायत डीएम एसएसपी और मानवाधिकार आयोग से की गई। मामला बढ़ते देखकर बुधवार की देर रात फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में एसएसआई वीरेंद्र बहादुर सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया था। अब आरोपी महिला पुलिसकर्मी प्रियंका को एसपी सिटी की रिपोर्ट के बाद निलंबित कर दिया गया है। साथ ही खबर है उत्तर प्रदेश के उन्नाव के अशोहा थाना क्षेत्र के बबुरहा गाँव की दो किशोरियों की मौत के बाद पूरे गांव को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। गुरुवार शाम पोस्टमार्टम के बाद दोनों शव गांव लाए गए। इस दौरान परिवार ने सुबह अंतिम संस्कार करने की बात डीएम से कही। प्रशासन की तरफ से मृतकों के घर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इस बीच बेटियों के शव उन्नाव पहुंचने पर जिला प्रशासन की बड़ी संवेदनहीनता सामने आई। एम्बुलेंस से शव घर ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं मिला। परिजन शव को एम्बुलेंस से हाथों में उठाकर घर ले गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने परिजन हाथ में शव उठाकर ले गए। बता दें कि मृतक किशोरियों के शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले। रिपोर्ट में गला घोटने या बांधन के निशान भी नहीं मिले। प्राइवेट पार्ट पर भी चोट नहीं पाया गया। दोनों बच्चियों को विश्राम को प्रिजर्व किया गया है। दोनों की स्लाइड बनाई गई। घटना को लेकर सपा एमएलसी सुनील सिंह साजन ने कहा कि यह घटना शर्मसार करने वाली है। एक बेटी जीवन और संघर्ष के बीच जूझ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। परिवार सीबीआई जांच की मांग कर रहा है तो होनी ही चाहिए। सरकार अगर निष्पक्ष है तो सीबीआई जांच करवा ले। किशोरियों के शरीर पर किसी भी तरह की आंतरिक या बाहरी चोट नहीं पाई गई है। चूंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट से जहर के बारे में पता लगेगा, इसलिए विश्वास सुरक्षित किया गया है। उधर गांव में पीएसी और भारी पुलिस बल की तैनाती जारी है। साथ ही उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पंचायत चुनाव 2021 की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। पंचायत चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान अभी तक भले ही ना हुआ हो, लेकिन गांव से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सरगर्मी बढ़ गई है। इस बीच राज्य निर्वाचन आयोग इस बार मतदान केंद्रों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने जा रहा है। आयोग ने मतदान केंद्रों को चार श्रेणियों में विभाजित किया है। तो वही निर्वाचन आयोग ने असंवेदनशील, संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस में बांटा है। पिछले चुनाव में तीन श्रेणियां थी, इस बार अति संवेदनशील प्लस श्रेणी जोड़ी गई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग इस बार ऐसे मतदान केंद्रों की कुंडली जिला प्रशासन से तैयार करा रहा है जहां बीते दो पंचायत चुनाव के दौरान मारपीट, बूथ कैप्चरिंग और बवाल हुए। ऐसे मतदान केंद्रों पर राज्य निर्वाचन आयोग बेहद सख्त हो गया है। इन बवाली मतदान केंद्रों को पहली बार अति संवेदनशील प्लस की श्रेणी में रखा जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग से निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित कर लिया है जहां पिछली बार मतदान के दौरान भारी बवाल देखने को मिला था। दबंगों और प्रधान समर्थकों द्वारा इन सभी मतदान केंद्रों पर पिछली बार जमकर बवाल किया गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी को इन मतदान केंद्रों पर पुनः मतदान कराना पड़ा था। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अभी तक 9 मतदान केंद्रों को चिन्हित किया है जहां पिछले पंचायत चुनाव में 4 ग्राम प्रधान और 5 क्षेत्र पंचायत सदस्य के मतदान के दौरान गड़बड़ी और बवाल के चक्कर में पुनर्मतदान हुआ था। इस बार राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। आपको बता दें कि पिछले चुनाव के दौरान इन मतदान केंद्रों पर मारपीट, बूथ कैप्चरिंग, मतपेटिका में पानी डालने जैसी घटनाएं हुई थी। इसमें बाबागंज ब्लॉक के आमीपुर, रामपुर, संग्रामगढ़ के निवाड़ा कलम, लालगंज के खानापट्टी, आसपुर, देवसराय ब्लॉक के
अतरारा मीरपुर मतदान केंद्रों पर रीपोल कराना पड़ा था। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव में भी 5 मतदान केंद्रों पर ऐसी ही घटनाएं हुई थी। निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय से मिले डाटा के मुताबिक बीडीसी चुनाव में भी बवाल के चलते सागीपुर ब्लॉक के राजमतीपुर, रामपुर, संग्रामगढ़ के गौरा पूरे छीमी, शिवगढ़ के देहरकला और आसपुर देवशरा के स्वेतापुर, शागीपुर के असाव मतदान केंद्र पर विदेशी पद के लिए पुनर्मतदान कराया गया था। इन सभी मतदान केंद्रों को देखते हुए जिला प्रशासन चिन्हित करते हुए अतिसंवेदनशील प्लस में डालने पर विचार कर रहा है। इसमें बवालियों पर नकेल कसी जा सके और पंचायत चुनाव सुचारू और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा सके। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।